वेल जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि वाइफ है, जो वाइफ वो ऑनलाइन रहती है, तो क्या उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो एडल्ट्री में है या नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी जो वाइफ है वो रात भर ऑनलाइन रहती है और हमें वो पता है कि वो एडल्ट्री में है। ओके, तो देखो आपको बता दें, पता हमें भी है कि वो एडल्ट्री में है, आपको भी पता है, लेकिन आप इस चीज़ का प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट या ऑनलाइन, ठीक है, अब अगली पार्टी भी तो होती है ना। सपोज आपने इस बेस पे आप जाते हो, ठीक है, तो अगली पार्टी भी तो डिफेंस करेगी ना कि माय लॉर्ड ऐसा नहीं है, हम रिलेटिव से बात कर रहे थे, ठीक है, हमारा क्लाइंट किसी और से बात नहीं कर रहा था, वो फ़ोन छूट जाता है ऑनलाइन, क्लाइंट की आँख लग जाती है, यानी कि वाइफ की आँख लग जाती है, तो वो ऑनलाइन शो होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो एडल्ट्री में है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, एक केस आया था कि भाई हमारे, मतलब मेरे पास मेरी वाइफ के स्क्रीनशॉट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट यानी कि उसने अश्लील चैट की हुई है किसी थर्ड पर्सन से, तो क्या हम उसके बेस पे कोर्ट में एडल्ट्री प्रूफ कर सकते हैं। देखो दो फ़ोन लो आप, दो फ़ोन ले लो, ठीक है, और कहीं से किसी का पिक उठा लो, एक लड़की का एक लड़की का, ठीक है, दो फ़ोन हो और दोनों फ़ोनों में व्हाट्सएप चलाओ आपस में, वो आप गाली गलौज कर लो जो भी आप, तो ये कहने का मतलब ये कि फेक भी हो सकते हैं, ठीक है, हालांकि आपको पता है वो रियल है, मतलब आपको पता है कि इतना दिमाग कोई नहीं लगाएगा कि दो फ़ोन लेगा, और लेकिन अगली पार्टी तो डिफेंस लेगी ना, वो तो बोलेगी भाई ये तो फेक है, ठीक है, समझ रहे हो आप, इसलिए तो फेक भी तो हो सकते हैं ना वो, आप समझो बात को। तो अगर आपको एडल्ट्री प्रूफ करना ही है ना, तो या तो ओकेज़न दिखाओ, ओकेज़न यानी कि हस्बैंड का या वाइफ का पहले से, शादी से पहले कुछ ऐसा आचरण था या फिर कोई वो था, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, या फिर कोई आपके पास कोई परफेक्ट वीडियो हो, यानी कि वीडियो में आपको लग रहा है कि जो वाइफ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर समझ रहे हो, या फिर हस्बैंड है उसका किसी से ऐसे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, तो देखो कॉल रिकॉर्डिंग्स का क्या होता है, वो ना पहले उनकी जांच होती है, ठीक है, ये नहीं है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग पेश की तो कोर्ट एकदम मान लेगा हाँ भाई सच बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है पहले, उसमें ये देखा जाता है इसमें जो ये रिकॉर्डिंग है उसमें कोई कट तो नहीं है, एडिटिंग तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें ना, जैसे कि मान लो आपने किसी से बात की होगी, ठीक है, और आप तो आप उसमें से ना कुछ वो कर देते हो, यानी कि अपनी गलती कोई नहीं दिखाता, तो वो एडिटिंग भी हो जाती है, तो कोर्ट सोचता है कि यार इसको क्या पता इसने किसी को फंसाया जा रहा हो, तो उसकी जांच वाँच होती है, उसकी पहले देखा जाता है कितना पुराना है, उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं की, कोई मिक्सिंग तो नहीं की, सारा कुछ देखा जाता है, ठीक है, तो एकदम कुछ नहीं होता कि आप सोचो भैया एकदम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है भाई, अब एविडेंस एक्ट ने कह रखा है कि एडमिसिबल है तो आप जाती और आपको एकदम एडल्ट्री प्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उनकी जाँच वाँच होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वीडियो है ना, कोई वीडियो के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो वीडियो इतनी, मतलब टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इतनी, मतलब फेक और रियल का पता चल ही जाता है वीडियो में, ठीक है, एक फर्स्ट इंस्टेंस पे प्रीमा फैगी जिसे हम कहते हैं, एक मिनट में पता चल जाएगा आपको वीडियो की यार ये असली है नकली है, ठीक है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन से कुछ नहीं है, आपको पक्का प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो जिनको डाउट था उनका डाउट मिट गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे आप अपनी क्वेरी लीव करो, इंस्टाग्राम अकाउंट पूछते हैं यार गरीब अकबर के नाम से, ये सारा कुछ ए टू जेड, फेसबुक सब कुछ, ठीक है, सो नो नीड टू आस्क, तो कृपया ना पूछें, ठीक है। और कुछ लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं यार, डिस्क्रिप्शन में सारा दिया तो हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, नंबर वंबर सब कुछ ए टू जेड, फिर भी पता नहीं क्या नंबर मांगेंगे, भाई साहब तंग हो गए हम तो देखो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, कौन सी बात करनी है आपको, कैसी बात करनी है, क्या मोड है, सब कुछ। अब डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो आप उसको ना, जब वीडियो देखते हो ना उसको ऐसे करके नीचे वो खुल जाता है, एक तीर सा होगा ऐसे करके, उस पर दबाना वो नीचे खुल जाएगा सारा, ठीक है, तो उसको देखो ध्यान से और अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर वंबर चूज़ करो और पे करो, कॉल करो, अगर पे नहीं कर सकते तो आप अपनी क्वेरी इंस्टाग्राम पर लिखिए, सो वी विल रिप्लाई, ओके, वेन एवर वी विल फ्री वी विल रिप्लाई, ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, चिल।